sleep हमारी दुनिया समस्या मुक्त कभी नहीं हो सकती जहाँ एक है कोई समस्या नहीं जहाँ अनेक है वहाँ समस्या अनिवार्य है एक से दो और समस्या ये प्रकृति का नियम है हम संस्कृत के उस शब्द को नहीं भूल सकते द्वंद द्वंद दो का नाम है द्वंद जोड़ा जोड़ा तो यह जोड़ा है दो है और द्वंद का अर्थ है लड़ाई यानी दो होना और लड़ाई होना दोनों के लिए एक शब्द है क्योंकि सबके विचार समान नहीं होते सबका आकार भी समान नहीं होता और सबकी प्रकृतियाँ भी समान नहीं होती और रुचि भी समान नहीं होती तो फिर आदमी शांति से कैसे जी सकता है शांति का उपाय भगवान महावीर ने बताया वे अनंत चक्षु थे अनंत चक्षु महावीर की स्तुति में लिखा गया है अनंत चक्षु वे अनंत चक्षु वाले थे दो आँख नहीं अनंत आँख वाले थे और सत्य अनंत है और सत्य को वही व्यक्ति देख सकता है जिसके चक्षु अनंत होते हैं दो आँखों से सत्य को नहीं देखा जा सकता दो आँखों से हमेशा विग्रह होता है लड़ाइयाँ होती है अनंत चक्षु चाहिए एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा कि बगीचे में फूल लाल थे तो दूसरा बोला गलत कह रहे हो। बगीचे के सारे फूल सफ़ेद थे अब लड़ाई शुरू हो गई एक कहता है मैं आँखों से देखी बात कह रहा हूँ कि लाल थे दूसरा कहता है मैं भी आँखों देखी बात कह रहा हूँ कि सब सफ़ेद फूल थे अब दोनों आँखों देखी बात बता रहे हैं एक लाल बता रहा है और एक सफ़ेद बता रहा है किसको सच माने और किसको झूठ मानी जो तीसरा व्यक्ति था वह भी प्रत्यक्षदर्शी था उसे कहा भी तुम बताओ तुमने देखा है ये जो कह रहे हैं क्या सच क्या है झूठ क्या है जब बोले दोनों सच हैं झूठ कोई नहीं है कैसे दोनों सच कैसे कि जो कह रहा है कि फूल लाल थे उस समय वह बड़े गुस्से में था आंखों में लाल डोरे पड़ रहे थे इसलिए उसे सब फूल लाल दिखाई दे रहे थे और जो कह रहा है सफ़ेद थे वह शांत था शांत शांत भाव से देखा तो सफ़ेद फूल थे सफ़ेद और लाल ये परिस्थिति के साथ बदल जाते हैं अनंत चक्षु मैं मानता हूँ कि शायद यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषण है सत्य को देखने के लिए सत्य के अनंत पर्याय अनंत पर्याय हैं एक अक्षर है ए ए, ए आ वर्णमाला का पहला अक्षर नंदी सूत्र में बतलाया कि उसके भी अनंत पर्याय अब भला अनंत पर्यायों को एक दो आँखों से दस आँखों से कैसे देखा जा सकता है उसके लिए तो अनंत चक्षु चाहिए और हमारी समस्या यह है यह लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा है कि हम सत्य को दो आँखों से देखना चाहते हैं और आँख खुली नहीं है महावीर अनंत चक्षु थे इसलिए उन्होंने सत्य को देखा और सत्य का का प्रतिपादन किया उनका एक सत्य भी हम ले ऐसे उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों सत्य की रश्मियों का प्रकाश दिया है सबको तो समझना भी हमारे लिए बड़ा कठिन है क्योंकि व्यवहार में जीने वाला आदमी स्थूल स्थूल बातों को पकड़ता है और जब निश्चय नय में जाता है तो पता नहीं सत्य कहाँ का कहाँ चला जाता है आचार्यों ने केवल राग और द्वेष इन दो शब्दों की मीमांसा की है नय के साथ अब इतना बदल जाता है कि साधारण आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता तो उन्होंने जो सबसे बड़ा सत्य देखा आचरण का सत्य यानी एक है दार्शनिक सत्य एक व्यवहार का सत्य आचरण का सत्य तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि दुनिया में भय बहुत है शिष्यों से पूछा सबको बुलाया बुलाकर भगवान महावीर ने शिष्यों से कहा कि बोलो किम भया पाना प्राणी किससे डरते उत्तर दो अब सब सोच रहे हैं कि महावीर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कोई होना चाहिए हम क्या उत्तर दें कुछ देर मौन रहे और बोले कि प्रभु हम आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं इसका उत्तर तो फिर महावीर ने कहा दुख भया पाना सब प्राणी दुख से डरते हैं इस सच्चाई को हम वर्तमान के संदर्भ में देखें आज दुख बहुत है और डर भी बहुत है दोनों तो बहुत बड़े हुए हैं भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रतिपादन किया इस बात को बहुत लोग जानते हैं किंतु इस सच्चाई के पीछे एक दूसरी सच्चाई है कि उन्होंने पहले अभय का प्रतिपादन किया फिर अहिंसा का प्रतिपादन किया अभय का प्रतिपादन किया और एक सच्चाई को प्रकट किया गंथा अतीते अभय वे महावीर स्वयं अभय थे एक राजकुमार अकेले जंगलों में घूमे उन प्रदेशों में घूमे जिन लोगों को कहा जाता कि वे कुछ भी नहीं जानते आदिवासी लोगों के बीच उस जमाने में आज के आदिवासी तो बहुत होशियार हो गए हैं उस जमाने में वहाँ घूमे बंगाल का वह प्रदेश संथाल का वह प्रदेश भूमि का वह प्रदेश जहाँ मागिर घूमे अकेले राजकुमार कोई डर नहीं था डर नहीं था इसका कारण का उन्होंने खोज लिया कि ग्रंथ है वहाँ डर है भय है निर्ग्रंथ को कोई भय नहीं होता निग्रंथ निर्ग्रंथ ग्रंथ यानि परिग्रह है वहाँ डर है परिग्रह नहीं है वह कोई डर नहीं है आज जितना डर है और शायद डर के कारण कितनी बड़ी यह मनोकायिक बीमारियां पैदा हो रही है डर है डर किस बात का है क्या तो ग्रंथ का डर है सारा अगर निर्ग्रंथ बन जाए तो डर न रहे ग्रंथ का भी अति संग्रह ग्रंथा अतीत अभय एक ऐसा सूत्र दिया कि तो अभय होना है तो ग्रंथ से मुक्त बनो ग्रंथ से मुक्त एक ग्रंथ के साथ भय जुड़ गया दो बच्चे बात कर रहे थे तो एक बच्चे ने कहा कि मेरे दादाजी के तो सारे दांत सोने के मडे सोने के तो दूसरा बच्चा बोला तब तो रात को सोते समय वे अपने सिर को अलमारी में रख कर सोते होंगे नहीं तो चोरों का डर रहता है जहाँ ग्रंथ है वहाँ डर होगा अनिवार्य नियम है कोई आदमी ग्रंथ रखता है परिग्रह रखता है संग्रह रखता है वह अभय हो नहीं सकता हमेशा भय बना रहता है चाहे ऊपर से न मालूम दे भीतर में भय का तनाव बना रहता है और वह तनाव अनेक समस्याएं पैदा करता है तो एक सच्चाई है तो दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी गृहस्थ ग्रंथ से मुक्त हो नहीं सकता परिग्रह से मुक्त हो नहीं सकता कोई भी सब भिखारी बन नहीं सकते मांग कर नहीं खा सकते एक और के ग्रंथ है वहाँ भय है, है। दूसरी ओर के गृहस्थ है वह ग्रंथातीत परिग्रह से मुक्त हो नहीं सकता महावीर अनंत चक्षु थे उन्होंने इसका समाधान दिया कि तुम गृहस्थ हो परिग्रह को छोड़ नहीं सकते पर सीमा करना सीखो संयम करना सीखो मैं समझता हूँ वर्तमान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का कोई सूत्र खोजा को जाए तो वह है सीमा करण और संयमकरण संयम करो तुम इतना ज़्यादा इकट्ठा मत करो कि कर एक जगह तो पहाड़ बन जाए दूसरी जगह गहरा गढ़ा बन जाए ऐसा मत करो इतना उपभोग मत करो कि एक आदमी की टेबल पर तो सौ आइटम मिल जाए और एक आदमी को खाने को पूरी रोटी ही न मिले इतना मत करो एक मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया श्रावक की आचार संहिता दी और उसमें कहा संयम महावीर की सारी आचार संहिता का और भय मुक्त जीवन जीने का शांति का जीवन जीने का जो मार्ग है उसके लिए दो शब्द है सीमा करण परिमाण करो सीमा करो असीम मत बनो आकाश असीम हो सकता है पर इस धरती पर जीने वाला आदमी असीम नहीं बन सकता असीम मत बनो सीमा करो हर बात की सीमा करो खाने की सीमा करो मकान की सीमा करो कपड़े की सीमा करो गहने की सीमा करो और पैसे की सीमा करो सीमा करो संग्रह की सीमा करो और उपभोग की सीमा करो अगर ये दो सूत्र आज व्यवहार में आते तो यह आर्थिक मंदी का दौर नहीं आता और करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ भी नहीं धोना पड़ता आज जो भयंकर समस्या बनी है उसका कारण क्या असीम उपभोग लोन लेते जाओ उधार लेते जाओ बढ़िया मकान बढ़िया कार और सब कुछ बढ़िया खूब उपभोग करो इधर तो बैंक फेल हो गए उधर कंपनियाँ फेल हो गई इधर नौकरियां छूट गई इस उपभोग ने सबको खा लिया दस लिया ऐसा सर्पदंश है जिसने काटा वही समाप्त बस इस समय महावीर के इन दो शब्दों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ध्यान दिए बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता केवल हम बाचिक प्रयोग करे उससे नहीं हो सकता जीवन में प्रयोग होना चाहिए प्रयोग केवल बोलने से भी नहीं हो सकता यह तो एक आचरण का विषय है जहाँ बोलना कम और करने की बात आती है महावीर ने चरित्र पर बल दिया दृष्टिकोण ज्ञान और चरित्र ये दर्शन चरित्र में फलित होना चाहिए मैं उस दर्शन को आकाशीय दर्शन मानता हूँ जिसका जीवन व्यवहार में कोई उपयोग नहीं होता जो धरती पर नहीं उतरता धरती पर उतरना चाहिए केवल वाचिक वाचिक व्यायाम उससे लाभ नहीं होता व्यक्ति आया और काफ़ी थका मांदा था घरवालों ने पूछा कि आज तो थके प्रतीत हो रहे हो क्या भाई थक गया क्यों तो आज दस घंटा भाषण देता रहा भाषण दिया दस घंटा तुम्हारा विषय क्या था मौन अरे भला आदमी विषय था मौन उसके लिए दस घंटा भाषण दिया सबसे अच्छा होता कि तू स्वयं जाकर मौन में बैठ जाता तो लोग समझ लेते कि मौन का महत्व है कोरा बाचिक व्यायाम चलता है उससे नहीं होता हमारे व्यवहार में आना चाहिए महावीर ने समस्या का समाधान दिया हमें समझना है हम लोग जब चैत्र शुक्ला त्रयोदशी आती है महावीर जयंती मनाती है बस एक दिन मना ली और शेष तीन सौ चौसठ दिन छुट्टी कि कभी महावीर को याद ही नहीं करते बहुत सीधा काम है मैं मना लूँ जयंती मनाना आजकल सीधा काम हो गया उत्सव मनाना भी सीधा हो गया कि तो एक दिन से छुट्टी पा लो कोई महावीर जयंती न मनाए और तीन सौ पैंसठ दिन महावीर की इस वाणी को याद रखे कि जितना ग्रंथ उतना भय जितना निर्ग्रंथ उतना अभय उसे महावीर जयंती रोज मनाता है सदा दिवाली संत के एक दिन मनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती हम चिंतन करें महावीर ने सच्चाई को देखा किस स्थिति में देखा कि जो व्यक्ति अध्यात्म दोष से मुक्त है वह सत्य को देख सकता है वह अनंत चक्षु हो सकता है अध्यात्म दोष दो प्रकार के दोष एक बाहर के दोष शरीर की बीमारी मन की बीमारी आवेश की बीमारी ये बाहर के दोष है और भीतर के दोष महावीर की स्तुति में लिखा गया को हम च तहेव मायम लोभम चौत्थम अझत्त दोषा ऐताणी चत्ता महावीर ने इन दोषों का त्याग किया था अध्यात्म दोषों का क्रोध अभिमान माया और लो ये चार अध्यात्म दोष हैं भीतर के दोष हैं बाहर के नहीं भीतर के दोष हैं और जब तक व्यक्ति चाहे तो क्रोध में आविष्ट रहता है चाहे अहंकार में रहता है चाहे छल कपट में आविष्ट रहता है और जब तक ममत और लोभ में आविष्ट रहता है तब तक वह सच्चाई को ठीक देख नहीं सकता ऐताड़ी चत्ता अरहा महेशी इन चारों को छोड़ दिया था अरहत बन गए महर्षि बन गए और फिर महावीर ने यह सारा काम किया कि इन दोषों का परित्याग किया आज की अपेक्षा है कि आज आवेश बहुत बढ़ रहा है वर्तमान की दो बड़ी समस्याएं एक मन की चंचलता और एक आवेश क्रोध का आवेश अहंकार का आवेश बस मैं सोचता हूँ वही ठीक है इतना आग्रह आवेश छल कपट और लोभ का आवेश इतना भयंकर कहीं अंत नहीं कहीं रुकता नहीं बस अगर आगे तो कहते थे कभी हजार हो गए तो वह लाख की बात करता है आज यह हजार लाख वाली बात नहीं आज तो खरब डॉलर की बात तक आदमी जा रहा है उसे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है इस स्थिति में यह भय का वातावरण बना रह सकता है कभी अभय की बात आ नहीं सकती हम महावीर को समझें उनकी आत्मा को समझें उनके अनंत चक्षुओं को समझे तो उसका कारण क्या कि समस्या पैदा करने वाले ये चार हैं चार कसाए ये समस्या पैदा करने वाले हैं उन्होंने इन कसायों से मुक्ति पा ली थी क्रोध नहीं पता नहीं पिछले जन्मों में क्या किया होगा पर महावीर ने मुनि बनने के बाद कभी क्रोध नहीं किया कभी अहंकार नहीं किया कि मैं राजकुमार हूँ मैं कैसे हूँ छल कपट की तो बात ही क्या थी पास में कुछ था ही नहीं और ग्रंथ से अतीत थे पास में कपड़ा भी नहीं था वस्त्र भी नहीं था और कुछ नहीं था बिल्कुल निर्ग्रंथ मैं दो शब्दों में ही सारा कह दूं महावीर के जीवन का सार महावीर की जयंती मनाने का सार हम दो सूत्रों को पकड़ लें कि जितना ग्रंथ उतना भय जितना निर्ग्रंथ उतना अभय साधु के लिए तो जरूरी है निर्ग्रंथ होना किंतु एक सामाजिक प्राणी श्रावक के लिए भी जरूरी है की ग्रंथ की सीमा करना कोई असीम न बने सीमा करे अगर यह सीमा करने की बात परिमाण करने की बात समझ में आ जाए तो बहुत सारी ढेर सारी समस्याओं का समाधान है तो हम महावीर की जयंती यह इन दो शब्दों के संदर्भ में मनाएं और उसका व्यवहार करें तो हमारी चिंतन की कार्य की सार्थकता होगी ओम आर हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का पांच सेकंड में श्वास लेना है पांच सेकंड भीतर रोकना है और पांच सेकंड रेचन करना है और पांच सेकंड बाहर रोकना है इस प्रकार बीस सेकेंड में एक श्वास रहे श्वास भरे भीतर रोके वेतन करे बाहर रोके श्वास भरे भीतर रोके वेचन 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 करे बाहर रोके प्रयोग संपन्न तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है ओम आरम